मॉर्निंग स्टूडेंट, आज ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे निर्माणात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के बारे में हमने आपको पहले बताया था। तो मूल्यांकन होता है वो जांच, और मूल्यांकन का अर्थ होता है जांचना या परख करना। तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बालक के प्रत्येक चित्र का की जाँच की जाती है, उसे मूल्यांकन कहते हैं। और मूल्यांकन को समझने से पहले हमने पढ़ा सीसीई के बारे में जानेंगे। सीसीई क्या होता है? तो सीसीई का पूरा नाम है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। कंटिन्यूअस का अर्थ होता है सतत, एवं कॉम्प्रिहेंसिव का अर्थ होता है व्यापक यानी बड़ा क्षेत्र, और इवेल्युएशन का अर्थ होता है जांचना या परख करना, यानी बालक के प्रत्येक क्षेत्र जैसे कि बौद्धिक, मानसिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक आदि गुणों की जांच करना ही मूल्यांकन कहलाता है। उसे सीसीई के नाम से जाना जाता है, जो कि लगातार होती रहती है, जैसे कि मासिक, द्विमासिक, साप्ताहिक आदि जो टेस्ट लगातार मूल्यांकन होता रहता है बालक के प्रत्येक क्षेत्र का। शैक्षिक एवं सह शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन लगातार होता है, उसे सीसीई के नाम से जाना जाता है या उसे सीसीई कहते हैं। अब इन मूल्यांकन को हमने दो भागों में विभाजित किया है, योगात्मक मूल्यांकन और रचनात्मक, जिसे कि निर्माणात्मक मूल्यांकन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका दूसरा नाम क्या है? निर्माणात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, और यह योगात्मक को कहते हैं सबमेटिव असेसमेंट। अब जो रचनात्मक या निर्माणात्मक जो मूल्यांकन होता है, यह शिक्षक जब क्लास में जाने से पहले अपनी पाठ योजना तैयार करता है और उस पाठ योजना का प्रस्तुतिकरण जब कक्षा में करता है, तो वो यह जानने का प्रयास करता है कि मेरे द्वारा बनाई गई जो शिक्षण विधियाँ है, यूज में ली गई जो शिक्षण विधियाँ हैं, जो पाठ योजना की मैंने रचना की है, क्या उससे बालक के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या बालक ने इससे कितना सीखा है, बालक के सीखने में कोई कठिनाई तो नहीं है। यानी कि जो निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है, यह शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का ही आकलन करता है। शिक्षक का आकलन करता है कि शिक्षक के द्वारा अपनाई जाने वाली जो शिक्षण युक्तियां है, वो बालक को सिखाने में कहाँ तक सहभागी है या नहीं है, या बालक उनसे सीखने में लाभ प्राप्त कर रहे हैं या नहीं है। और अब छात्र अपना मूल्यांकन करते हैं कि छात्र के समझ में वो पाठ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या किसी पॉइंट को समझने में कोई कठिनाई तो नहीं है, या फिर छात्र को अपने समूह में अपने ज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई तो नहीं है। तो ये रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा ही आकलन किया जाता है। यानी रचनात्मक मूल्यांकन वह प्रक्रिया है, क्लास में शिक्षक और शिक्षार्थी के सामने कक्षागत परिस्थितियों में जो शिक्षण प्रक्रिया संपन्न की जाती है, उसमें शिक्षक अपनी शिक्षण विधि के द्वारा उस ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करता है, और यदि उसमें कोई त्रुटि होती है तो उसमें सुधार करने का प्रयास भी करता है, और छात्र भी उसको आत्मसात करने की क्षमता रखते हैं, और यदि उनको कहीं कठिनाई होती है तो उसको समझने का प्रयास करते हैं और शिक्षक उनकी मदद करता है। यानी कि जब तक वो पाठ पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो रचनात्मक मूल्यांकन चलता रहता है, और इस रचनात्मक मूल्यांकन के दौरान शिक्षक अपना मूल्यांकन करता है, वह छात्रों से प्रश्न पूछता है, संश्लेषण विश्लेषण करता है, तथा अन्य कार्यों के द्वारा वह लगातार जानता रहता है कि छात्र को जो काम दिया गया है वो छात्र कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, छात्र को कोई कठिनाई तो नहीं है, या छात्रों में कितना सुधार हुआ है। वो रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा पाठ के अंत तक उस कार्य को करता रहता है, उसे रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इसे FA के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा आता है योगात्मक मूल्यांकन। अब जो योगात्मक मूल्यांकन होता है, ये पूरा सिलेबस जब हमारा पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद जो आकलन किया जाता है, जैसे कि वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा आदि के द्वारा जो उपलब्ध शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाया जाता है शिक्षक के द्वारा, उसे योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ये योगात्मक मूल्यांकन को समेटिव असेसमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रिटन एग्जाम के द्वारा भी इसके बारे में पता लगाया जाता है, जैसे कि वार्षिक परीक्षाएं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं आदि। लेकिन इन दोनों में क्या होता है कि जो योगात्मक मूल्यांकन होता है वो पक्षपातपूर्ण मूल्यांकन होता है। अब पक्षपातपूर्ण मूल्यांकन क्यों होता है? क्योंकि इसमें रिटन एग्जाम होती है। अब रिटन एग्जाम में जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं
उनके नंबर कम आते हैं और जो मंद बुद्धि या औसत छात्र होते हैं उनके नंबर ज़्यादा आते हैं। तो इसमें टीचर भी पक्षपात कर लेता है, इसलिए इसको पक्षपात पूर्ण मूल्यांकन भी कहा जाता है। जबकि जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है इसमें पक्षपात रहित मूल्यांकन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्योंकि छात्र की प्रत्येक गतिविधि यानी कि उसके जैसे कि खेल खेलता है तो खेलने में जो उसके जो अंक आते हैं क्योंकि वहाँ पर सारे दर्शक होते हैं तो झूठ नहीं बोलते हैं तो वहाँ पर उसका मूल्यांकन सही होता है। ऐसे ही कोई क्यूज होती है तो क्यूज के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन्हें प्रश्नों के जो सही जवाब देता है उसको पूरे अंक मिलते हैं और जो गलत जवाब देता है उसको अंक नहीं मिलते हैं। तो यहाँ भी इनमें कोई पक्षपात नहीं होता है। दूसरा है प्रोजेक्टर। अब इन छात्रों को प्रोजेक्टर, वैसे तो साइंस में प्रोजेक्ट ज़्यादा बनाए जाते हैं तो साइंस के अलावा भी अब प्रोजेक्ट हर सब्जेक्ट में अब बनाए जाने लगे हैं। तो यदि छात्रों को प्रोजेक्ट बनाने को दिया जाए तो किसी छात्र अच्छा बनाता है कोई छात्र तो उसको अच्छे अंक प्राप्त होंगे और यदि कोई छात्र कम अच्छा बनाता है तो उसको कम अंक प्राप्त होंगे। तो यहाँ इसमें भी पक्षपात नहीं होता है। तीसरा आता है असाइनमेंट। तो छात्रों को असाइनमेंट घर के लिए दिए जाते हैं बनाने के लिए। जब छात्र घर पर असाइनमेंट तैयार करता है तो असाइनमेंट कई छात्र तो बहुत क्रिएटिव यानी सृजनात्मक तरीके से उनको बनाते हैं और कई छात्र ऐसे ही बना लाते हैं। तो जो छात्र क्रिएटिव यानी सृजनात्मक तरीके से बनाते हैं उनको अंक ज़्यादा मिलते हैं और जो ऐसे ही बनाते हैं उनको अंक कम मिलते हैं। तो यहाँ भी पक्षपात इसमें नहीं होता है। अगला आता है ओरल। ओरल यानी मौखिक रूप से। तो मौखिक जो परीक्षाएं होती है उसमें छात्रों से जो पूछा जाता है तो जो छात्र सही जवाब देते हैं उनको अंक अच्छे मिलते हैं और जो नहीं देते हैं उनको अंक कम मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ भी इसमें पक्षपात नहीं होता है। तीसरा आता है क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग यानी प्रश्नोत्तर। जब प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं तो जो छात्र सही जवाब देता है तो उसको पूरे अंक मिलते हैं और जो छात्र गलत जवाब देता है उसको अंक कम मिलते हैं। तो इसमें कोई पक्षपात नहीं होता। यानी कि जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है इसमें पक्षपात की संभावना कम होती है यानी पूर्णतः ये पक्षपात रहित होता है। इसलिए इसको सीखने के लिए आकलन मूल्यांकन भी कहा जाता है। अब सीखने के लिए आकलन का मूल्यांकन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ये जो मूल्यांकन होता है रचनात्मक ये केवल शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही संपन्न किया जाता है। यानी शिक्षक और छात्र जो क्लास में होते हैं किसी टॉपिक को लेकर उस पर वार्तालाप होती है, अंतःक्रिया होती रहती है तो वहीं पर ये मूल्यांकन शिक्षक लगातार करता रहता है। स्वयं का भी करता है शिक्षक और छात्र का भी करता है। छात्र अपने ज्ञान को सीखने के लिए भी वहाँ पर सक्षम होते हैं, अपने सहपाठियों के लिए भी सहायता करते हैं और सहपाठियों से अपने लिए भी सहायता मांगने का प्रयास करते हैं। तो ये मूल्यांकन क्लास के अंतर्गत ही चलता रहता है, इसलिए इसे रचनात्मक मूल्यांकन कहा गया है। जबकि योगात्मक मूल्यांकन है ये वर्ष के अंत में होता है तो सारा सिलेबस जब पूर्ण हो जाता है तो छात्र को केवल उपलब्धि का ही पता लगता है, उसे ये पता नहीं लगता कि मैंने कितना सीखा है, कितनी मुझमें कमियां हैं, कौन सा सब्जेक्ट मेरा अच्छा है। तो इसमें केवल शैक्षिक उपलब्धि का ही पता लगाया जाता है योगात्मक मूल्यांकन में। तो जो रचनात्मक मूल्यांकन है तो पहले क्या होता था, जो परीक्षाएं होती थी योगात्मक मूल्यांकन में वो पूरा पेपर 100 नंबर का होता था। लेकिन उस 100 नंबर के पेपर में छात्र को अपने सभी क्षेत्र में मूल्यांकन का पता नहीं लगता था, केवल शैक्षिक उपलब्धि का ही पता लगता था। तो इसको दूर करने के लिए क्या किया, हमने रचनात्मक मूल्यांकन को लेकर के आए। लेकिन रचनात्मक मूल्यांकन में सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन होता है तो इसके अंतर्गत सभी क्षेत्रों में जैसे कि बौद्धिक या सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्र आ जाते हैं। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत यानी प्रत्येक पल बालक का मूल्यांकन किया जाता है। बालक कैसे बोलता है, बालक के कैसे संस्कार हैं, बालक ने क्या सीखा, बालक के सीखने में क्या कमी थी, इन सारी चीज़ों का यहाँ पर रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। और इसके नंबर भी जब ये वार्षिक परीक्षा होती है, अर्धवार्षिक परीक्षा होती है तो रचनात्मक मूल्यांकन दो प्रकार से किया जाता है, जिसे एफ वन के नाम से जाना जाता है और वार्षिक परीक्षा के बाद जो योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है उसे एफ2 के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ
अर्धवार्षिक परीक्षा में दो बार होता है FA1 और FA2, तो जैसे 10-10 नंबर के, और फिर लास्ट में जो वार्षिक परीक्षा होती है उसमें FA3 और FA4 के नाम से भी रचनात्मक मूल्यांकन को जाना जाता है। फिर लास्ट में जो रचनात्मक मूल्यांकन के नंबर होते हैं वो उन सारे नंबरों को वार्षिक परीक्षा के साथ ही ऐड कर दिया जाता है और तब पूरे रिजल्ट निकाला जाता है। इसे हम रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं और ये योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। तो जो योगात्मक मूल्यांकन होता है वो वर्ष के अंत में होता है और रचनात्मक मूल्यांकन लगातार शिक्षण प्रक्रिया के दौरान चलता रहता है, जिसे रचनात्मक मूल्यांकन या निर्माणात्मक मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। तो जो ये रचनात्मक निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है इसमें छात्र का शिक्षक दोनों ही सक्रिय रहते हैं, यानी कि जो रचनात्मक मूल्यांकन है वह मूल्यांकन है जिसमें पाठ्यक्रम या अध्यापन के दौरान शिक्षक भी अपना मूल्यांकन करता रहता है, छात्र अपने अधिगम स्तर को जानने के लिए मूल्यांकन करता है और छात्र और शिक्षक, यानी ये निदानात्मक व उपचारात्मक दोनों ही प्रकार का होता है। यानी निदान छात्रों की कमियों का पता लगाया जाता है और उसमें सुधार के लिए उपाय किए जाते हैं। इसमें प्रतिपुष्टि भी होती है, यानी छात्र को प्रतिपुष्टि भी दी जाती है कि वह जो कार्य कर रहा है वह सही है या नहीं है, या फिर उसमें कोई कमी है तो उसके लिए सुझाव के सुधार भी दिए जाते हैं, जिसे कि हम निर्माणात्मक मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। तो इसे निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। वैसे निर्माणात्मक मूल्यांकन प्रत्येक पल होता रहता है, यानी प्रत्येक छात्र में जब तक छात्र चाहे, यानी शिक्षक चाहे, क्लास में जब तक शिक्षण प्रक्रिया चलेगी तब तक निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है। तो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा योगात्मक व रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।